morning everyone, this is Shalu Sharma and today I would like to discuss about the first chapter, that is a letter to God on the basis of your book First Flight. Okay, and I would like to discuss about that the main character of this story, like that a Lancho as well as a God. And God is a I know invisible persons for Lancho, but according to the persons of the postmaster as well as the employees, then they help him especially in a ways of God. Okay, then this chapter, that is a completely evaluate of the moral value. It's a intimate of the love through God. Is it clear, students? Now I would like to start this chapter. Firstly, you have to open this chapter and bring out a pencil only to write about the meaning of a difficult word. Okay, students? Yes, start it. The house, the only in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that are always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. The house, the only one in the entire valley. Beta, ek aisa place jahan par Lancho rehta tha, us valley ke bare mein discuss kiya gaya hai. The house, uska house, the only one in the entire valley. Us प्लेस पर, उस वैली पर, उस घाटी पर एक सिर्फ उसका एक ऐसा घर था जहाँ वो रहता था. सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स दैट अ टॉप ऑफ द हिल. हिल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे बोला जाता है क्रेस्ट. ओके, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. लो हिल मीन्स सबसे नीचे की जो पहाड़ी थी उसका सबसे ऊपर का जो हिस्सा था उस हिस्से पर रहता था कौन? Lancho. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. उस हाइट से, जिस जगह पर Lancho रहता था उस जगह से, वन कुड सी, हर एक चीज़ को देखा जा सकता था. सी द रिवर, जैसे कि रिवर. द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए कॉर्न. कॉर्न होता है मक्का. कॉर्न इज़ अ हार्वेस्ट ऑफ हार्वेस्ट. एंड पके हुए मक्के को देखा जा सकता था. डॉटेड, जो फुली फुली डॉटेड मीन्स दैट फुली विद द फ्लावर्स, जो फुली कवर्ड थे किससे? फ्लावर्स थे, यानी पूरे के पूरे पक चुके थे किससे? फ्लावर्स से. विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसे देख कर ऐसा लगता था जैसे ये जो हार्वेस्ट हैं वो पूरी तरह से पक चुकी हैं और लगता था कि बिल्कुल अच्छी हो चुकी हैं ये हार्वेस्ट. द ओनली थिंग इज द अर्थ नीडिड आज डाउन पार और एट लीस्ट अ शावर. बार बार Lancho यही सोचता था उस अर्थ को देख कर, उस ज़मीन को देख कर जिसमें उसने ऑलरेडी हार्वेस्ट को ग्रो अप किया है, कि इस हार्वेस्ट को ग्रो अप होने में बस अब थोड़ा थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, वो है डाउन पार. डाउन पार का मीनिंग होता है बेटा, डाउन पार मीन्स दैट ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग होती है बूंदाबांदी, यानी कि बारिश. बारिश इस वे में नहीं कि बहुत तेज़ आ जाए, दैट इज़ नॉट अ रेनफॉल. वी विल यूज़ एज अ ड्रिजलिंग, वी विल यूज़ एज अ डाउन पार, मीन्स दैट कि बूंदाबांदी की ज़रूरत थी. At last, list a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately. Night में ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था, सोचते 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 सुबह हो गई. And who knew his field intimately? Intimately means that closely. उसने अपनी field को closely way में, मतलब पास से देखा. Had done nothing else but see the sky towards the northeast. और फिर वापस north east की direction में अपना face करते हुए सोचने लगा. But see the sky, और देखने लगा आसमान को कि कैसे भी थोड़ी बहुत भी बारिश आ जाए, देन आई थिंक सो हिज हार्वेस्ट विल बी इन प्रॉपर कंडीशन. तो उसकी जो हार्वेस्ट होगी वो प्रॉपर कंडीशन में होगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन. रियल में वुमेन ने कहा कि जो होगा हमारे लिए सब अच्छा ही होगा. टू गेट सम वाटर, जो भी होगा मीन सब अच्छा होगा. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंग. गॉड की जो विलिंग होगी, विलिंग मीन्स दैट इज डिज़ायर. गॉड की जो विलिंग होगी, गॉड की जो डिज़ायर होगी वो उसी पर डिपेंडेंट है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, उस टाइम पे उसकी जो मिसेस थी, उसकी जो वाइफ थी, वो क्या कर रही थी? प्रिपेयरिंग कर रही थी, मीन्स बना रही थी सपर. सपर मीन्स होता है डिनर. सपर मीन्स दैट डिनर. ओके, डिनर रेडी कर रही थी. नाउ वी हैव फोर वर्ड्स. फर्स्ट वन इज़ अ क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स दैट टॉप ऑफ द हिल. हिल का सबसे ऊपर के हिस्से को बोला जाता है बेटा क्रेस्ट. सेकेंड वन इज़ डॉटेड. डॉटेड मीन्स दैट फुली कवर्ड. DOTTED, डॉटेड मीन्स दैट अ फुली कवर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेटली. इंटीमेटली मीन्स दैट अ क्लोजली.
intimately means that closely. After that next word is supper. Supper means that dinner. Supper ka meaning kya hota hai beta? Dinner. The women who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field. Do ladke. The older boys, bade ladke, were working, work kar rahe the in the field, khet mein. And while the smaller one were playing near the house. Aur uska chota jo beta tha, wo khel raha tha, near the house, house ke paas. Until the women called to them all. Tabhi women ne kya kiya? Bulaya sabhi ko. Come for dinner. Aao dinner ke liye. It was during the meal that, and just as Lancho had predicted, it was during the meal. Meal time period mein, jis time pe khane ka time hua, just as Lancho had predicted. Lancho ne predict ki. Predict means that foretelling. Foretelling ka meaning hota hai, bhavishyavani karna. Kisi bhi cheez ke baare mein pehle se batana. Big drops ki, agar badi badi boonde giri, big drops of rain. बड़ी बड़ी क्या गिरी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू द फॉल अगर बड़ी बूंदे गिरने स्टार्ट हुई इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग जैसे ही बड़ी बड़ी बूंदे गिरने शुरू हुई इन द नॉर्थ ईस्ट साइड ह्यूज माउंटेन पूरा का पूरा जो माउंटेन था ह्यूज मीन्स दैट बिग बड़ा जो माउंटेन था ऑफ क्लाउड जो भरा हुआ था बादलों से कुड बी सीन अप्रोचिंग उसे देख कर लग रहा था कि चारों तरफ से बारिश होगी The air was fresh and sweet. बहुत तेज़ अच्छी हवा चल रही थी The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling. अब मैन के पास एक ऐसी कोई भी expectations नहीं थी जिससे कि उसे खुश ना होना पड़े उसे फील हो ही रहा था कि अब बारिश होगी And then he turned. He explained, there are not raindrops falling from the sky. And they are new coins. ये बारिश की बूंदें नहीं होंगी वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बारिश होगी वो बारिश की बूंदें नहीं होंगी उसके लिए दे आर अ न्यू कॉइंस किसकी तरह होंगी न्यू कॉइंस की तरह न्यू कॉइंस मीन्स दैट कि अब उसके लिए जैसे एक फार्मर के लिए बारिश का होना उसकी फसल को पूरी तरह से राइप अप कर देता है पूरी तरह से पका देता है तो उनके लिए जो रेनफॉल है वो लाइक किसकी तरह कॉइंस की तरह है लाइक मनी की तरह सेम एज इट इज लेंचो की कंडीशन थी लेंचो भी यही सोच रहा था कि जैसे ही बारिश होगी तो उनके लिए बारिश की बूंदें नहीं लाइक न्यू कॉइन होगा जैसे कि मानो नए नए सिक्के गिर रहे हों उसने यहाँ तक कि कंपेयर भी कर दिया कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces कि जैसे बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी तो वो किसकी तरह उसने कंपेयर किया कि वो जैसे 10 cent pesos की तरह होंगी एंड लिटिल वन और जो छोटी बूंदें गिरेंगी वो किसकी तरह होंगी उसके लिए 5 cent pesos की तरह यानी कि 5 cent 5 के सिक्कों की तरह विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स अ फ्लावर्स रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ अ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स एंड द बॉय एक्सपोजिंग themselves to the rain and went out to collect the frozen pearls. With that satisfied expression, बहुत ही satisfied expression के साथ, he regarded the field of a ripe corn with its flower and wrapped in a curtain of a rain. उसे feel हुआ कि जैसे ये जो field है, ripe field है उसका, with its a flower, flower से जो covered है, wrapped means that adorn. डेकोरेटेड जो पूरी तरह से ढका हुआ है पूरी तरह से सजा हुआ है किससे फ्लावर से इन अ कर्टेन ऑफ रेन उस पर किसकी बारिश आ जाएगी कर्टेन यानी कि रेन को एज अ कर्टेन उन्होंने शो किया है कि जैसे बारिश होगी तो ऐसा लगेगा कि इस पूरी की पूरी हार्वेस्ट पर वो लाइक अ कर्टेन की तरह यानी कि पर्दों की तरह बिछ गई है ओके एंड बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड तभी एक तेज़ी से हवा चली एक स्ट्रॉन्गली विंड आई एंड बिगेन टू ब्लो अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज और एकदम से तेज़ बारिश होने लगी अ हेल स्टॉर्म हेल मीन्स दैट अ पैलेट ऑफ हेल यानी कि ओले जो होते हैं ओलों के टुकड़ों को बोला जाता है हेल स्टॉन्स क्या बोला जाता है हेल स्टॉन इसका मीनिंग क्या होगा बेटा अ पैलेट ऑफ रेन अ पैलेट ऑफ हेल हेल होता है ओले हेल क्या होता है ओले ड्रैप्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा अडॉर्न adorn अडॉर्न का मीनिंग होता है सजाना किसी चीज़ को सजाना नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको क्या बताया नेक्स्ट वर्ड इज सपर सपर का मीनिंग क्या होता है बेटा डिनर सपर मीन्स दैट अ डिनर ओके एंड नेक्स्ट वन इज डॉटेड मीन्स दैट अ फुल कवर्ड आफ्टर दैट क्रेस्ट CREST क्रेस्ट मीन्स दैट अ टॉप ऑफ द हिल हिल का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं क्या क्रेस्ट After that, intimately means that closely. Intimately means that closely. Yes, it's a the boys exposing themselves to the rain and rain out to collect the frozen pearls.
बॉयज द ट्रूली डिड रिसेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइंस, कि सिल्वर कॉइंस जो होंगे वो उसके लिए एक न्यू सिल्वर कॉइंस यानी चांदी के सिक्कों की तरह होंगे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बॉयज एक्सपोज कर रहे थे रेन को, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. उन्हें लग रहा था कि जब तक बारिश हो रही थी उन्हें फील हो रहा था जैसे मानो ये फ्रोजन पर्ल्स हों यानी कि मोती के टुकड़े हों. इट्स अ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. मैन ने एक्सक्लेम करते हुए कहा कि शायद ये बुरा भी हो सकता. आई होप इट पासिस क्विकली, मेरी होप है कि जल्दी ही जो ओलों का तूफान है ये निकल जाए. इट डिडेंट पास क्विकली, अगर ये जल्दी नहीं निकला. फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, तो ये पूरी की पूरी हाउस को स्पॉइल्ड कर देगा. द गार्डन, द हिल साइड, कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. एक घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ कि वही बारिश पूरे के पूरे एरिया को कवर कर जाती है. कौन सा एरिया? हाउस का एरिया, उसी के आसपास में जो गार्डन एरिया था उस एरिया को, हिल साइड को और कॉर्नफील्ड को. ऑन द होल वैली मीन्स दैट अ कंप्लीट होल वैली को, दैट इज अ कवर्ड बाय हेस्टोन. ओके, द फील्ड वॉज वाइट, पूरा का पूरा फील्ड जो था वो वाइट हो चुका था. किससे वाइट हो चुका था? ओलों से. ओके, द हिल स्टोन से. एज इट कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था कि मानो किसी साल्ट को कवर्ड किया गया हो, फील्ड को फील्ड पर बिछा दिया गया हो जैसे कोई साल्ट. ओके, एंड आफ्टर दैट नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर एक सिंगल पत्ता तक नहीं बचा था. सोचो उसकी तो पूरी की पूरी हार्वेस्ट थी, यहाँ तक कि एक ट्री पर सिंगल हार्वेस्ट सिंगल लीफ भी नहीं था जो बचा था. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यहाँ लेंचो की जो कॉर्न थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी. एंड द डिस्ट्रॉय मीन्स दैट अ स्पॉइल्ड. द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो चले गए थे यानी कि सारे टूट कर नीचे गिर गए थे. लेंचोज सॉल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, इस टाइम पे जो लेंचो की सॉल थी, सॉल होती है स्प्रिट, स्प्रिट होती है आत्मा, यानी लेंचो बहुत बुरी तरह से सैड हुआ, दुखी हुआ. वैन द स्टॉर्म हैड पास द ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, जैसे ही तूफान पास हुआ, पास रवे मीन्स दैट जैसे ही तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल टाउन मिडिल पार्ट ऑफ द फील्ड, वो खड़ा हो गया जाकर फील्ड के बीचों बीच. एंड सैड टू हिज सन, और उसने अपने सभी सन्स को बुलाया. अ प्लेग ऑफ द लैक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि ये एक प्लेग था जिस प्लेग ने पूरे के पूरे, ये एक प्लेग था, प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जिसने पूरे के पूरे फील्ड को क्या कर लिया? निगल लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जिस हेल ने, जिस ओलों ने इस टाइम पे कुछ भी नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी हार्वेस्ट नहीं है, कोई फसल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, उस रात जो उसकी रात थी वो बहुत ही सोरोफुल वे में बहुत ही दुखी होकर स्पेंड हुई. एंड ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, अब उसके लिए कोई काम नहीं बचा था. देयर इज वन हु कैन हेल्प अस, सिर्फ एक ही पर्सन है जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं. ये वर्ड किसने बोला? ये किसके वर्ड थे? ये वर्ड थे किसके? लेंचो के. वो पर्सन कौन है? ओनली गुड गॉड वुड हेल्प हिम इन दिस सिचुएशन. उसकी ये थिंकिंग थी कि शायद सिर्फ और सिर्फ गॉड ही हैं जो उसकी हेल्प करेंगे. वी विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर गॉड ने इस टाइम पे हमारी हेल्प नहीं की तो शायद हम इस ईयर क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे. ये सिचुएशन थी किसकी? ये सिचुएशन थी किसकी? लेंचो की. ओके, नाउ आफ्टर दैट्स द ऑन द गोइंग ऑफ द नेक्स्ट पार्ट. बट इन द हार्ट of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, and there was a single hope, help from God. But in the heart of all, सभी के दिलों में, who lived in the solitary, solitary means that alone. जब हम कुछ अकेले होकर सोचने लगते हैं तो हम यूज़ करते हैं existing alone. जब हम अकेला फील करते हैं जैसे हमारा कोई नहीं है, they are not any persons who help him, same as the situation of Lencho. यहाँ भी situation किसकी है? Lencho की है. he feel just like a lonely. Okay, house in the middle of the valley, उसे ऐसा फील हो रहा था कि इस वैली जैसी फील्ड में कोई भी पर्सन नहीं है. देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. अब उसके पास सिर्फ एक ही होप है, वो होप किसकी है? गॉड की, जो उसकी हेल्प कर सकते हैं. डोंट बी सो अपसेट इवन दो हिज दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो. इवन दो हिज दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, टोटल लॉस हो गया था, फिर भी उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे कोई ये बोल रहा है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होगा, कोई भी भूख से नहीं मरेगा. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. अब उस रात उसके पास सिर्फ एक ही होप थी जिसके बारे में वो सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड. और वो किसकी होप थी? गॉड की. हुज आइज as he had been instructed, सिर्फ उसी की आंखें जो उसे देख रही थी. See everything, हर हर किसी
को जो इसको वो देख रहा है, कौन है वो? गॉड. व्हाट इज डीप इनफिल्ड इन वंस कॉन्शियस, हर एक पर्सन जिस पर उसका विश्वास है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल. लेंचो तो किसकी तरह है? ऑक्स ऑफ मैन की तरह, यानी कि बैल की तरह. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो एक फील्ड में एनिमल्स की तरह वर्क करता रहता है. बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट, बट स्टिल ही न्यू, अब वो जानता था हाउ टू राइट, उसे क्या लिखना है. द फॉलोइंग संडे एट अ डे ब्रेक, नेक्स्ट डे संडे था, डे ब्रेक था, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और जहाँ पर वो मेल करने के लिए गया टाउन में. एंड इट वॉज अ नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, जरूर ये लेटर उसने सिवाय किसके, गॉड के अलावा तो किसी को लिखा नहीं होगा. Tomorrow I will be continue this chapter. I hope this chapter will be understand of it. And please consume this chapter in a proper way. Thanks a lot, students. Tomorrow I will be meeting you. Okay?